जी लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग रीडिंग। जी आज हम एक पैसेज डिस्कस करेंगे दैट आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन लिसन टू मी एंड एवरी वन ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन। तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बताना है कि हाउ टू अटेम्प्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज द वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें वैसे तो ये कि व्हेन यू विल रीड क्वेश्चंस, आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसके बाद यू विल अटेम्प्ट इट, बट इन रीडिंग सेक्शन आपने देयर इज वन वे ऑफ अटेम्प्टिंग रीडिंग दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में इसको हम करने से पहले कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जर्नल रीडिंग क्या होती है, और उसके अलावा एक जर्नल जो हमारी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है। एक बात याद रखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर यू विल राइट ऑन वन पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर राइटिंग पैसेज नंबर टू, सो इन द बिगिनिंग इन वेरी फर्स्ट टू सेंटेंसेस वी विल गिव द मेन आइडिया, हमने उसके अंदर मेन आइडिया दे देना है। देन वी विल राइट ऑन सपोर्टिव सेंटेंसेस, फर्स्ट सपोर्टिव सेंटेंसेस एंड देन सेकेंड सपोर्टिव सेंटेंसेस, और उसके बाद फिर ये कि हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे। तो मेन आइडिया स्टार्ट में होता है और एक पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, सो विल ओनली राइट ऑन एडवांटेजेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर आर मेनी रीजंस टू दिस सोशल इवल और दिस प्रॉब्लम, सो वी विल ओनली राइट डाउन रीजंस इन दैट पैराग्राफ। एंड इन द बिगिनिंग वी ऑलवेज ट्राई टू गिव वन मेन आइडिया, वन जो आप ये समझ लें कि जो मेन उसका सेंट्रल आइडिया है उसको वी विल इंट्रोड्यूस इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग। सो उसके बाद आप एक और जो चीज़ है यू नीड टू कीप इनसाइड योर माइंड कि हमने एक सेंट्रल आइडिया बाहर निकालना है, वो जो हम लिखते हैं लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सेंट्रल आइडिया आपने बाहर निकालना है। दूसरा ये कि कुछ हर जुमले के अंदर कुछ रूट वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने एक लंबे से सेंटेंसेस को जो जुमला लिखा था, सेंटेंस लिखा था, और उसको मैंने छोटा किया, तो उसमें मैंने रनिंग डेज भी ख़त्म कर दिया, और उसके बाद मैंने टीनेजर्स भी, यानी कि मैंने इसको छोटा किया जी, चिल्ड्रन यूज कंप्यूटर, तो इसमें कुछ रूट वर्ड्स हैं, यानी कि चिल्ड्रन जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वर्ब जो है ये भी एक रूट वर्ड है, एक नाउन और एक वर्ब, ये दो वर्ड्स नहीं होंगे तो कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो व्हेन यू विल राइट डाउन दीज टू वर्ड्स, सो सिंपली ये है कि यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। ओनली रीडिंग दीज टू वर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड कि इस पूरे जुमले में क्या है, तो सारी चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये दो चीज़ें आज के लेक्चर के लिहाज से जो रीडिंग का हमारा चल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे आइडियाज़ शेयर करूँगा, और उसके बाद आप भी मुझे बताएंगे कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ वी कैन अटेम्प्ट इट, और व्हाट आर द डिफरेंट इसके मीनिंग्स वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी लेट्स सी। अच्छा जी, इज देयर एनी बॉडी आउट देयर, क्या वहाँ पे कोई मौजूद है, द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टर्शियल इंटेलिजेंस। अब टर्शियल जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज़ का ताल्लुक जो प्लानट अर्थ से हो, यानी कि ज़मीन के साथ हो, पानी के साथ ना हो। अच्छा, दूसरी ये है कि जो चीज़ एक्स्ट्रा टर्शियल मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक पूरे प्लानट अर्थ के साथ नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा टर्शियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी मखलूक, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि जिसका ताल्लुक ज़मीन से नहीं है, उसकी तलाश। सो इज़ देयर एनी बॉडी आउट देयर, क्या वहाँ पे कोई है, द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टर्शियल इंटेलिजेंस। तो लेट्स सी, हम इसको डिस्कस करते हैं। जी, द क्वेश्चन ऑफ वेदर We are alone in this universe has haunted humanity for centuries. ये सवाल कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं, इस सवाल ने पूरी इंसानियत को सदियों से सहर अंगेज कर दिया, सहर ज़्यादा कर दिया। अब ये haunted का मतलब होता है असेब ज़्यादा। ये सवाल कि हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं, इससे लोग जो सा है बेसिकली ये क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है, वो इसको जानना चाह रहे हैं, और इसने असेब ज़्यादा कर दिया। But we may now stand poised on the brink of the answer to that question. लेकिन अब हम इस आंसर के जवाब के, इस जो सवाल है इसके जवाब के पास मुस्तहकम खड़े हैं,
एज वी सर्च फॉर रेडियो सिग्नल्स, जैसा कि हम रेडियो सिग्नल्स को तलाश कर रहे हैं फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, दूसरी सिविलाइजेशन से. द सर्च ऑफन नोन बाई एक्रोनिम सेटी, ये सर्च जो सी है सेटी के नाम से, जो कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है, ये जानी जाती है, इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, जो कि एक मुश्किल काम है. यानी ये जो सर्च है जो कि रेडियो सिग्नल्स हम लोग तलाश कर रहे हैं दूसरे सियारों से, दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, दिस इज़ नॉट एज ईजी एज वी आर थिंकिंग. सो सिंपली आगे हम इसको पढ़ते हैं जी. Although groups around the world have been searching intermittently for 3 decades, the intermittently antonym hai consistently ka, persistently ka. Agarche duniya mein jo group paaye jaate hain wo search kar rahe hain waqfe se pichle 30 saalon se, it is only now that we have reach the level of technology. ये अब मुमकिन हुआ है कि हम उस टेक्नोलॉजी के लेवल तक पहुँचे हैं where we can make a determined attempt to search all nearby stars for any sign of life, कि हम तमाम करीबी सितारों को चेक कर सकते हैं कि उनमें कोई ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं या नहीं. ये इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन था. अच्छा जी, जस्ट लुक एट हियर. अब हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिया कि जी कुछ साइंसदान हैं जो कि वक्फे से इस तलाश में हैं कि कोई फलाई मखलूक वहाँ पे मौजूद है, और उस काम के लिए वो रेडियो सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं, और एक सेटी के नाम से एक कोई रिसर्च सेंटर है वो इस चीज़ की तलाश के ऊपर लगा हुआ है, और ये इस चीज़ को हम काफ़ी अर्से से तलाश कर रहे हैं. अब हम मैं आपको डिस्कस बताऊँगा कि हमने बेसिकली करना क्या है, और एक पैराग्राफ में पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि हमने एक तो ये कि इसमें से हमने सेंट्रल आइडिया निकालना है. ये जो पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें मेन आइडिया क्या है, इसके सपोर्टिव सेंटेंसेस क्या हैं, और किस चीज़ को इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है. ओके, लेट्स स्टार्ट. द प्राइमरी रीजन फॉर सर्च इज बेसिक क्यूरियोसिटी, द सेम क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट ड्राइव्स ऑल प्योर साइंसेस. जी, जो सबसे बड़ी रीज़न है इस रिसर्च की वो ये है कि हम जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, क्यूरियोसिटी, बेताबी, जानने के लिए इश्तियाक होना किसी चीज़ को लर्न करने का. ये वही क्यूरियोसिटी है कि जो कि तमाम तर प्योर साइंसेस को आगे बढ़ा रही है. यानी जो हमारे लर्निंग का जो शौक़ है वो बेसिकली इस चीज़ के पीछे मेन रीज़न है. वी वॉन्ट टू नो वेदर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स, हम ये जानना चाहते हैं कि हम इस कायनात में अकेले हैं. वी वॉन्ट टू नो वेदर लाइफ इवॉल्व्स नेचुरली इफ गिवन द राइट कंडीशंस, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ज़िंदगी को अगर मुवाफिक और साजगार माहौल दिया जाए तो वो खुद ब खुद इवॉल्व होती है, और वेदर देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द अर्थ टू हैव फॉस्टर्ड द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी अराउंड अस ऑन द प्लैनेट, या फिर ये कि ज़मीन के बारे में कोई ख़ास चीज़ ऐसी है कि जो कि ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ लाइफ की फॉर्म्स हैं उसको आगे बढ़ा रही है हमारे प्लैनेट के ऊपर. वी सी अराउंड अस ऑन द प्लैनेट. द सिंपल डिटेक्शन ऑफ रेडियो सिग्नल्स विल बी सफिशिएंट आंसर टू द मोस्ट बेसिक ऑल क्वेश्चंस, इन तमाम सवालों का एक ही आंसर है वो रेडियो सिग्नल्स की डिटेक्शन. इन दिस सेंस, इस सेंस के अंदर सेट इज़ अनदर कॉग. कॉक कहते हैं जो हमारे पास गिरारी होती है ना मशीन के अंदर, तो उसका जो एक दांत होता है उसको हम कॉक कहते हैं. सेटी एक कॉक है इन द मशीनरी ऑफ प्योर साइंसेस विच इज़ कॉन्टीन्यूली पुशिंग आउट द हॉरिजन्स ऑफ आवर नॉलेज, जो मुसलसल हमारे नॉलेज को बढ़ा रही है. इन ये जो रिसर्च हो रही है, हाउएवर देयर आर अदर रीजंस फॉर बीइंग इंटरेस्टेड इन वेदर लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर. दूसरी रीजंस भी हैं कि हम जिसकी वजह से हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया और जो लाइफ है, जिसकी वजह से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ज़िंदगी किसी दूसरी जगह पे मुमकिन है या नहीं. यहाँ पे देखिए ज़रा, सेट इज़ अनदर कॉग इन द मशीनरी ऑफ प्योर साइंसेस विच कंटिन्यूअली पुशिंग आउट द हॉरिजन्स ऑफ नॉलेज, हाउएवर देयर आर अदर रीजंस फॉर बीइंग इंटरेस्टेड इन वेदर लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर. दूसरी रीजंस भी हैं कि जिसके बारे में, जिसकी वजह से हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ज़िंदगी किसी दूसरी जगह मौजूद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव had civilization on earth for perhaps only few thousand years,
अच्छा यहाँ पे ना एक चीज आपने करनी है, एक तो ये रीजन की बात की गई और एक ऊपर रीजन की बात की गई, और जो पहला सेंटेंस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया कि मेन आइडिया बताने के लिए। अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। वो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैड सिविलाइजेशन ऑन अर्थ फॉर परहैप्स ओनली फ्यू थाउजेंड ईयर्स एंड द थ्रेट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर एंड पॉपुलेशन ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स हैव टोल्ड अस दैट आवर सर्वाइवल मे बी टेनियस। टेनियस कहते हैं लामहदूद। वो ये कहता है कि हम काफ़ी अर्से से दुनिया में रह रहे हैं और न्यूक्लियर जो एटमी जंगे हैं और पोल्यूशन जोन सी है जो कि पिछले कुछ दहाइयों से बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ये इस चीज़ को बता रही है कि हमारा यहाँ पे सर्वाइवल कम है, मुश्किल है। विल वी लास्ट अनदर 2000 ईयर, क्या हम अगले 2000 साल तक रह सकते हैं, और विल वी वाइप आवर सेल्व आउट, या अपने आप को ख़त्म कर देंगे, सिंस द लाइफ टाइम ऑफ अ प्लानट लाइक आवर्स इज सेवरल बिलियन ईयर्स, कि जो हमारी ज़मीन है उसका उसके ऊपर जो ज़िंदगी का जो बेसिकली टाइम है वो कई बिलियन ईयर्स है। वी कैन एक्सपेक्ट, हम ये सोच सकते हैं फर्दर सिविलाइजेशन डू सर्वाइव आवर गैलेक्सी, देयर एजेस विल रेंज फ्रॉम ज़ीरो टू सेवरल बिलियन ईयर्स। तो अगर कोई और दूसरी इस तरह की है तो वो ये, मतलब उसकी भी ज़िंदगी काफ़ी बिलियन साल हो सकती है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताने लगा, देखें पहले मेन आइडिया, उसके बाद फर्स्ट सपोर्टिव सेंटेंस, उसके बाद सेकंड सपोर्टिव सेंटेंस। तो पहले मेन आइडिया क्या है कि पहली रीज़न क्या है, और उस रीज़न से मुतल्लिक उसने काफ़ी बातें की, और उसके बाद फिर उसने कहा जी दूसरी रीज़न क्या है ये जो यहाँ पर डिस्कस है, और आप आगे जितनी भी डिस्कशन चल रही है वो दूसरी रीज़न से मुतल्लिक चल रही है, ठीक है। दस एनी मियर सिविलाइजेशन सच एज सिविलाइजेशन दैट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज़ पॉसिबल, किसी से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुमकिन है, एंड गिव्स अस सम कॉज ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर ऑप्टिमिज्म, और उससे हमें कोई मुस्बत सोच रखने की कोई रीज़न मिलती है। इट इज़ इवन पॉसिबल दैट द ओल्डर सिविलाइजेशन में पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द थ्रेट्स टू सर्वाइवल सच एज न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल पॉपुलेशन। ये भी मुमकिन है कि दुनिया के अलावा किसी जगह पर कोई पुरानी ओल्डर सिविलाइजेशन यानी हमसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन मौजूद है, वो हमें बता सकती है कि इस तरह के थ्रेट्स जो कि न्यूक्लियर वॉर ये वो है उनसे कैसे नबरदाजमा हो सकते हैं, एंड अदर थ्रेट्स दैट वी हैवंट गेट डिस्कवर, और इस तरह के दूसरे थ्रेट्स। अब मुझे ये बताइए प्लीज़ आप लोग कि इस पूरे पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या डिस्कस किया गया है। जी एनी वन, मिस समीरा प्लीज़ यू विल टेल मी दैट व्हाट इज़ द मेन आइडिया। The existence of life on different planets. जी बिल्कुल आपने गलत जवाब दिया है, मैं आपकी जो आपकी तरफ दोबारा बाद में आता हूँ कि इसमें हम एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर। जी मिस फातिमा आप मुझे बताइए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, एक लाइन क्या ऐसी कि जिसके ऊपर हम कहेंगे कि ये पूरी बहस मुबाइसा उस लाइन के ऊपर हो रहा है। जी फातिमा कैन यू कंट्रीब्यूट समथिंग। वाह जी वाह, आपने भी एक ज़बरदस्त किस्म का गलत आंसर दिया है, दैट इज जी। अली साहब आप बताएं जी, यू सीम वेरी जीनियस पर्सन, अब मुझे बताएं कि इसमें मेन आइडिया क्या। आई एम आल्सो जीनियस इन अदर। अच्छा तो इसमें मुझे तो ये समझ में आया कि इसमें एक ये बात कर रहा है कि whether we are alone in the universe or not, तो ये कि वो इसी सारे उसमें कश्मकश में लगे हुए हैं कि जो है कि ठीक है भाई ठीक है। अब सुन लें जी मेरी बात, तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं माई डियर ऑनलाइन क्लासमेट्स और जो मेरी क्लास है, देखें सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ में उसने बात की पहली लाइन में कि पहली रीज़न क्या है और दूसरी रीज़न क्या है, वो रीजंस बता रहा है और उस रीजंस को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकेंडरी चीज़ है, यानी कि क्यूरियोसिटी पे क्यूरियोसिटी के बारे में बताता जा रहा है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर दूसरी रीज़न बताता है कि हमारी एग्जिस्टेंस से मुतल्लिक ये है, फिर उससे मुतल्लिक आगे एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स दे ही जा रहा है कि जी ये ऐसे ऐसे होगा। हमने उन एग्जांपल्स और सपोर्टिव सेंटेंसेस पे नहीं आना, हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इस पूरे पैराग्राफ में उसने सेंट्रल आइडिया क्या डिस्कस किया और वो ये था कि रीजंस क्या हैं। चलें जी लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हम पीछे वापस चलते हैं और देखते हैं, उसके बाद फिर हम अगले पैसेज पे आएंगे।
See, just see this. First heading is seeking transmission of radio signal from other planets. So appropriate response to signal from other civilization, vast distances to Earth. और पांचवें नंबर पे है reasons for the search for extraterrestrial intelligence. Reasons क्या हैं कि हम ये search कर रहे हैं? ठीक है? भाई कैसा रहा? जी, ये answer दिया हुआ है. इसके बाद मैं आपसे अभी पता लगेगा passage 2 में. ये देखें example number, paragraph number A, example number में दी हुई है कि इसका answer number 5 है. आपको कुछ समझ आई मेरी पूरी discussion से? सर बिल्कुल. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन माइनस करनी है, सेंट्रल आइडिया पकड़ना. हमने सेंट्रल आइडिया जितना हमने बेसिकली इसकी एक हेडिंग बनानी है. पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक खुद से हेडिंग बनानी है कि इसकी हेडिंग क्या है. ये जितनी हमारी सेंसेस एस्थेटिक होती जाएंगी और हम इस चीज को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे बाई अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पैसेजेस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, जुमले कैसे लिखते हैं, सपोर्टिव सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं और इसकी एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है. हम इस पोजीशन में आ जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हम उसमें से मेन आइडिया बाहर निकाल लें और वो मेन आइडिया इसका जवाब होगा. आप कोई क्यूरियोसिटी पे जा रहा है, ये सारे बिल्कुल डिस्कस हैं, 100% डिस्कस हैं इसके अंदर, लेकिन ये मेन आइडियाज नहीं है. मेन आइडिया इज समथिंग डिफरेंट, वो दूसरा है. चले जी, अब तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बी पैराग्राफ है, उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है. जी, यू कैन सी दिस इज बी पैराग्राफ, आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन सी. जी, इन डिस्कसिंग वेदर वी आर अलोन मोस्ट सेटी साइंटिस्ट अडॉप्ट टू ग्राउंड रूल्स. जी, ये डिस्कस करते हुए कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं, ज़्यादातर जो सेटी साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो रूल्स डिफाइन किए हैं. फर्स्ट, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आर जनरली इग्नोर्ड सिंस मोस्ट साइंटिस्ट डोंट कंसीडर द एविडेंस फॉर देम टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर सीरियस कंसीडरेशन. जी, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि हम यूएफओ को इग्नोर करेंगे और यूएफओ, पहला ग्राउंड रूल ये है कि यूएफओ को इग्नोर करेंगे. और यूएफ क्या है, मैं जहाज में जा रहा था, मैंने देखा कि एक ना वो एक ब्राइट कलर का स्टार जो उनसे एकदम मेरे सामने से गुजर गया और मैंने कहा भाई देखो देखो देखो, लेकिन किसी ने नहीं देखा, किसी के रडार में भी नहीं आया, किसी और चीज़ में नहीं आया. तो जो हमारी प्योर साइंसेज हैं, जो हमारी फाइव सेंसेज हैं और जो हमारी जो मेटाफिजिक्स है, वो बेसिकली हमें बताए उन चीज़ों के बारे में. उसको कोई कैमरे में आना चाहिए, उसको कोई रडार में आना चाहिए. अगर किसी ने कहा कि मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा उसके पार लगे हुए थे और वो पूरी हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी उसको कैप्चर करने में नाकाम रह गई, तो वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही हम उस पर रिसर्च करेंगे. हम रिसर्च कॉन्क्रीट चीज़ों पर करेंगे, हम रिसर्च उन चीज़ों पे करेंगे जो कि रिलीजियस फिलॉसफी, मसलन फरिश्ता है, अब फरिश्ते को हम कहते हैं जी एग्जिस्ट करता है, हमने रूह देखी, अब रूह देखी किधर देखी, उसको पकड़ें, पकड़ के उसको देख मतलब देखें क्या उसकी तस्वीर मुमकिन है बनानी. तो ये सारी चीज़ें हो सकता है एग्जिस्ट करती हों, लेकिन जो हमारा फर्स्ट रूल है, जो सेटी साइंटिस्ट का फर्स्ट रूल है, वो ये है कि हम इग्नोर करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को विच आर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद वो कहता है कि सेकंड, वी मेक अ वेरी कंजर्वेटिव अजम्पशन दैट वी आर लुकिंग फॉर अ लाइफ फॉर्म दैट इज प्रीटी वेल लाइक अस. और एक हम एक अजीब सी अजम्पशन बनाते हैं कि हम एक ऐसी लाइफ फॉर्म को तलाश कर रहे हैं जो हमारे जैसी है. सिंस इफ इट डिफर्स रेडिकली फ्रॉम अस वी मे नॉट वेल रिकग्नाइज इट एज लाइफ फॉर्म. अगर वो हमसे मुख्तलिफ है तो हो सकता है हम उसकी उसको एक लाइफ के तौर पे माने ही ना. क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वेदर, और ये बात तो बड़ी अजीब है कि वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद इट, कि हम उससे बातें भी करें. हो सकता है कि कोई पत्थर पड़ा हो उसके अंदर जान हो, हम उसके उसे इग्नोर कर दें. हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी लाइफ की फॉर्म हो जिसको हम सेंस आउट ही ना कर पा रहे हों, और बजाय इसके कि हम ये सोचें, हम ये सोचते हैं कि वो हमारे से बातें भी करें, तभी तो वो रेडियो सिग्नल्स भेजेगी ना आगे. अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि
In other words, दूसरे अल्फाज में the life form we are looking for may well have two green heads. हो सकता है उसके दो बड़े बड़े सबज रंग के सारों and seven fingers और सात उसकी उंगलियों but it will nevertheless resemble us in that it should communicate with its fellows. लेकिन वो हमारे जैसे नहीं हो सकते ये बताना चाहिए और वो हमारे लेकिन हो सकता है वो अपने फेलो से बात करते हों बी इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्स और यूनिवर्स में भी इंटरेस्ट लेते हों लिव ऑन अ प्लैनेट और वो किसी एक ऐसे प्लैनेट में रहते हों ऑर्बिटिंग अ स्टार लाइक आवर सन कि जो कि सूरज की तरह एक स्टार के इर्द गिर्द घूमता है एंड परहैप्स मोस्ट रिस्ट्रिक्टिवली हैव अ केमिस्ट्री लाइक अस और उनकी केमिस्ट्री भी हमारे जैसी हो जो कि कार्बन और वाटर के ऊपर बेस करती है जी अब आपने हमने ये पूरा पढ़ा तो इसके अंदर अब दो चीज़ें मुमकिन हैं एक तो ये चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं कि दो रूल्स कौन से हैं जिन पे हम लोग अज्यूम कर हम दो रूल्स कौन से हैं कि जिसको हमने इग्नोर नहीं करना या जिस पे बेस कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट एक ये अंडरस्टैंडिंग है मेरी और एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्या जो हम लोग सोच रहे हैं वो ज़्यादा वायबल भी है या नहीं है और ये मुमकिन भी है कि इस तरीके से हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे दो चीज़ें जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं वो क्या हैं दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग और वो रूल्स क्या हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ बेस कर रही है नाउ जस्ट कम बैक ऑन द पॉइंट अब आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या पहला आंसर हो सकता है कि हम कोई सीख करें ट्रांसमिशन को रेडियो सिग्नल्स में से ये दूसरा हो सकता है कि हम कोई रिस्पांस ढूंढ रहे हैं इसका मेन आइडिया तीसरा ये हो सकता है कि वास्ट डिस्टेंसेस लंबे लंबे फासलों की बातें हो रही हैं चौथा ये हो सकता है कि हमारी अजम्पशन क्या हैं इस रिसर्च के बारे में जो हम करने जा रहे हैं और पाँचवा ये है कि रीजन पाँचवा तो नहीं हो सकता और नॉलेज फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स के नॉलेज हम लेना चाह रहे हैं लाइफ फॉर्म के बारे में और लाइकलीहुड ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स और दूसरे सितारों पर ज़िंदगी की क्या वो है बेसिकली एक्सपेक्टेशन वो हम करना चाह रहे हैं अब मुझे बताएं इनमें से कि व्हाट इज़ द पॉसिबल आंसर जी आसिफ भाई आप बताएं इन सात में से आपके ख्याल में कौन सा ठीक है सर ये सेकंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स की तो कोई बात ही नहीं है भाई कहीं से अच्छा चलें ठहरे मिस फातिमा आप बताइए मिस फातिमा आई एम आस्किंग दैट प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर इफ यू वर विद मी व्हेन आई वर जी जी बोलें सर फोर इसका आंसर अच्छा जी वाह मुझे तो लग रहा है मिस फातिमा ने वाकई जवाब बता ही दिया चलें देखते हैं जी मिस समीरा व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग जी अली साहब बताइए लास्ट में से और फोर में से जी अच्छा चले मैं अब आपको बताता हूँ एक तो ये कि जो लाइकलीहुड ऑफ लाइफ है दूसरे प्लैनेट्स पे वो पहले जो पहला ग्राउंड रूल है उसके अंदर उसकी तो डिस्कशन ही नहीं है और दूसरे में अगर डिस्कशन मौजूद है कि किस तरह की लाइफ हो सकती है तो क्या ये डिस्कशन सेंट्रल आइडिया थी या एक सपोर्टिव सेंटेंस के तौर पे थी और वो पूरे पैराग्राफ की तो बेसिकली को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज़ फोर जी आंसर नंबर फोर इज़ द राइट आंसर क्या सर एक चीज़ पूछनी है आपसे मोस्टली जो सर टिप्स मिलते हैं वो इसमें ये मिलते हैं कि आप जो है ना फर्स्ट थ्री और फोर लाइंस जो हैं वो आप रीड करें और लास्ट के फोर लाइंस रीड करें नहीं तो सर आपको हेडिंग कोई चक्कर नहीं है अगर होता तो फिर करना लेते लोग नहीं होता उससे आपने पूरा पढ़ना है इस पैसेज के अंदर जहाँ लिस्ट ऑफ हेडिंग आएगी उसमें कम अज़ कम आपने पूरा पढ़ना है और उसके बाद आपने एक हेडिंग बना के खुद से हेडिंग बनानी है और लिखनी है ये एक एक्टिविटी करनी है आपने उस हेडिंग को पीछे मैच करना है लेकिन एक दफ़ा आप जब थॉरली पढ़ लेंगे ना तो अगले क्वेश्चन बहुत स्पीड से अटैम्प्ट हो जाएंगे अच्छा सर दूसरा सकते हैं कि आपको वर्ड्स हैं अब जैसे पैसेज में जो
की अजम्पशन भी दिया हुआ है। अब वो देखें, ये तो सारे भाई डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अजम्पशन भी लिखा हो वहाँ पे, डिस्टेंस भी लिखा हो ना, मैंने नहीं जाना उस साइड पे। मैंने देखना है कि इसका मेन आइडिया क्या है, इसके सपोर्टिव सेंटेंसेस क्या हैं और सेंट्रल थीम क्या है। वो सेंट्रल मेन आइडिया मुझे पहली लाइन से भी मिल सकता है, और जब मैं उसको रीड करूँगा तो उसके अंदर से मैं निकाल लूँगा बाहर कि इसमें डिस्कशन बेसिकली उन अजम्पशंस के ऊपर की जा रही है जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च के अंदर है। यानी कि जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो दो रूल्स के बारे में सोच रहे हैं कि हम इस तरह करेंगे, और वो उनकी अजम्पशन हैं। अजम्पशन का वर्ड दरमियान में दिया हुआ है, और एक और पैराग्राफ में आगे आप पढ़ेंगे अजम्पशन का वर्ड स्टार्ट में भी दिया हुआ है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए और आप गलती से उस साइड पे चले जाएं और अजम्पशन को जोड़ें आपस में और गलत आंसर ले दें। तो सिंपल ये कि आपने यू विल राइट डाउन वन, इसका एक समरी लिखेंगे, या आपने इसको पढ़ने के बाद एक वो करना है। चलें जी, लेट्स कम बैक, ड्राइविंग बैक टू द पॉइंट। जी नंबर सी रीड कीजिए एंड देन यू विल टेल मी व्हाट इज द, देखिए इसमें आ गया ना अजम्पशन स्टार्ट के अंदर, लेकिन नहीं यार मुझे इसका सेंट्रल आइडिया बताइए प्लीज। इवन व्हेन वी मेक दीज अजम्पशंस आवर, कौन सी अजम्पशन, जो पीछे वाली, ये तो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है पीछे वाले पैराग्राफ को, ये और पक्का कर रहा है कि पीछे में अजम्पशन की बात की गई। इवन व्हेन वी मेक दीज अजम्पशंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स इज स्टिल सीवियरली लिमिटेड, हमें नहीं पता कि दूसरी लाइफ फॉर्म्स कैसी हैं, हमें ये भी नहीं पता, वी डोंट इवन नो फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी स्टार्स हैव प्लैनेट्स, कि कितने सितारे ऐसे हैं कि जिनके प्लैनेट्स हैं। जी एंड वी सर्टनली डोंट नो हाउ लाइकली इट इज़ दैट लाइफ विल अराइज नेचुरली गिवन द राइट कंडीशन, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या ज़िंदगी को अगर राइट कंडीशन दी जाएँ, हम यकीनी तौर पर यह भी नहीं कह सकते तो खुद ब खुद वो होना शुरू हो जाती है। However, when we look at 100 billion stars in our galaxy, तो फिर 100 billion galaxies को देखते हैं in the universe, it seems inconceivable that at least one of these planets does not have life form on it. तो जब हम इतने हजारों सितारों को देखते हैं तो ये हम कह नहीं सकते कि कोई भी एक ऐसा सितारा नहीं है कि जो कि हमारी तरह हो। In fact, the best educated guess we can make using the little that we know about the conditions for carbon based life, ki hame carbon based life ke bare mein janna hai, leads us estimate to perhaps one in 100,000 stars might have life bearing planet, to hamara ek guess ho sakta hai ki 1 lakh mein se ek tara zarur aisa hoga ki jo ke life basically planned orbiting hai, that means that our nearest neighbor are perhaps 100 light years away, which is almost next door to in astronomical terms. Ji yahan pe ab aap isko dekhiye aur ab mujhe bataiye ki iska main idea kya, is paragraph ka what is main idea aur मेन सेंट्रल थीम, किस बात, किस चीज़ की वजह से ये पैराग्राफ पे बहस की गई है, और सिंपली यू विल हमारी अंडरस्टैंडिंग, लुक एट हियर, अब पढ़ें जी इनमें से सेवन लाइकली टू लाइक टू ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। जी, बिल्कुल ठीक है, इसको देखते हैं हम आगे चल के। और नाउ जस्ट कम बैक, आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं, बुक 9 जी, जस्ट रीड एंड टेल मी दैट व्हाट वुड बी द आंसर। अब इसको आप पढ़ें ज़रा खुद से, डी आंसर, डी पैराग्राफ जी। माई वॉइस इज़ क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स दैट यू हैव रेड दिस पैसेज। जी जी ओके ठीक है, थैंक यू। एन एलियन सिविलाइजेशन कुड चूज मैनी डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द गैलेक्सीज, बट मैंने जी बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, बट मैनी ऑफ दीज ईदर रिक्वायर टू मच एनर्जी और एल्स आर सीवियरली अटेन्यूएटेड वाइल ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स कहते हैं फासला तय करना, द वास्ट डिस्टेंसेज अक्रॉस द गैलेक्सी। इट टर्न्स आउट दैट जी वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मैनी सिविलाइजेशंस सेंडिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द गैलेक्सी।
जी जस्ट कम बैक वापस आते हैं हम ऑन द पॉइंट एंड यू विल सी व्हाट इज द यू विल प्रेडिक्ट व्हाट वुड बी द आंसर डू यू सी दिस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर सीकिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर प्लैनेट्स appropriate responses to signal from other civilizations knowledge of extraterrestrial life form ye to sir I think first one here the seeking transmission yani hum dekh rahe hain ki first one theek hai ji theek hai theek hai aur ek aur bhai sahab ali sahab bataye aap kya keh rahe the so just come down abhi ji e hai jo last one just read it there is a considerable debate काफ़ी बात हो चुकी ओवर हाउ वी कुड वी शुड रिएक्ट के हमें अगर वो कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए इफ़ वी डिटेक्ट अ सिग्नल अगर हमें कोई सिग्नल आता है फ्रॉम एन एलियन सिविलाइजेशन तो हम कैसे जवाब देंगे किसी ऐसे सिग्नल का अगर हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से मुतलिक डिस्कशन करते हैं अब देखें यहाँ पे जवाब देने से मुतलिक मेन आइडिया फर्स्ट लाइन कि हम कैसे रिस्पॉन्ड बैक करेंगे एवरीबॉडी एग्री हर बंदा एग्री करता है कि दैट वी शुड नॉट रिप्लाई इमीडिएटली हमें फौरन जवाब नहीं देना क्वाइट अपार्ट फ्रॉम इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ सेंडिंग अ रिप्लाई ओवर सच लार्ज डिस्टेंसेज एट शॉर्ट नोटिस ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक छोटे नोटिस पे हम जवाब नहीं दे सकते इट रेजेज अ होस्ट ऑफ एथिकल क्वेश्चंस एक एथिकल क्वेश्चन भी आता है कि दैट वुड हैव टू बी एड्रेस्ड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी बिफोर एनी रिप्लाई कुड बी सेंट क्या हमने पूरी दुनिया के लोगों से पहले बातचीत कर लेनी है इससे पहले कि हम कोई जवाब भेजें वुड द ह्यूमन रेस फेसेस द कल्चरल शॉक इफ फेस्ड विद अ सुपीरियर एंड मच ओल्डर सिविलाइजेशन ये भी हो सकता है कि हमसे कोई बहुत ज़्यादा पुरानी और सिविलाइज सिविलाइजेशन है तो हमें कोई कल्चरल शॉक हो लकीली देर इज़ नो अर्जेंसी अबाउट दिस तो हतमी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी नहीं है इस बारे में द स्टार्स बीइंग सर्च फॉर हंड्रेड ऑफ लाइट ईयर्स अवे सो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर देयर सिग्नल टू रीच अस तो ऐसे सितारे के जो हमसे सैकड़ों हजारों साल की डिस्टेंस के ऊपर लाइट ईयर के डिस्टेंस के ऊपर हैं उन तक जवाब वापस पहुंचाते हुए भी हमें इतने साल लगेंगे एंड अ फर्दर फ्यू हंड्रेड ईयर्स फॉर आवर रिप्लाई टू रीच देम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट देन तो ये अहम नहीं है इफ देयर इज अ डिले ऑफ फ्यू ईयर्स और डेकेड्स व्हाइल द ह्यूमन रेस डिबेट्स द क्वेश्चंस ऑफ वेदर टू रिप्लाई के थोड़ा सा अगर डिले हो भी जाता है या कुछ साल डिले हो जाता है कि कैसे हमने उनका जवाब देना है एंड परहैप्स केयरफुली ड्राफ्ट्स अ रिप्लाई और हम बड़े बेहतर तरीके से कोई रिप्लाई जो है वो बना सकते हैं जी अब बताएं जी यहाँ पे सीधा सीधा आंसर मुझे तो नज़र आ गया जी सर कौन सा आंसर है सर सेकंड क्या बात है आसिफ तुम्हारे तो मिनट में पहुंच गए हो चले जी देखते हैं अब हम सारे पहुंचे हैं या गलत आंसर्स हैं लेट्स कम डाउन दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 था टेस्ट 1 था और वी आर डूइंग दिस जी देखें जी 14 का 4 आंसर है पहले का दूसरे का 7 है तीसरे का 1 है 2 है ऐसे ही है 14 पैसेज बी है प्लीज चेक द आंसर्स विच यू हैव रिटन ऑन योर नोटबुक्स वगैरह पे अगर आपने देखा है तो एनीबॉडी ऑफ यू हैव रिटन समथिंग आप में से किसी ने कुछ लिखा भी है या नहीं जी आसिफ साहब जी सर 17 का तो ठीक है 14 का भी ठीक है और जी सर 1 भी आपने बताया 16 का वो भी ठीक है और 15 का भी 7 ये ठीक है आंसर्स जी आप लोगों को कुछ समझ आई आज के लेक्चर के बाद थोड़ा सा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई जी आसिफ भाई कुछ समझ आई बात की जी सर काफी जी मिस फातिमा डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग जी समीरा कह रही है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलें जी ये इसके बाद वाला ये है आप इसको अटेम्प्ट करेंगे बाद में घर में और उसके बाद हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे अभी तक जो आज राइटिंग हुआ है ये रीडिंग हुआ है इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग कुछ पूछना चाहें फर्दर डिस्कस करना चाहें या कुछ कहना चाहें कोई सजेशन वगैरह तो प्लीज़ स्पीक और आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल